लालू यादव के पुत्र और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव इन दिनों ब्रजमंडल में धार्मिक यात्रा पर हैं। सोमवार की रात्रि वो संत रमेश बाबा की ब्रज 84 कोस यात्रा के वृंदावन प्रवास के दौरान यमुना किनारे पड़ाव स्थल पर आयोजित गोवर्धन पूजन में भाग लेने पहुंचे, जहां उन्होंने हरि नाम संकीर्तन के मध्य गोवर्धन पूजा कर पुण्य लाभ अर्जित किया। पीला कुर्ता, लंबे बाल, माथे पर श्रीजी लगाए तेज प्रताप यादव कृष्ण भक्ति में सराबोर नजर आए। उन्होंने गोवर्धन पूजा के दौरान भक्ति संगीत के बीच गिरिराज परिक्रमा की। गोवर्धन पूजा के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि वो पिछले 15-20 साल से ब्रज में आ रहे हैं और वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने कहा कि ब्रज रज में जो प्रेम है वो बड़े ही नसीब वाले लोग होते हैं जिनको ये सौभाग्य मिलता है। बरसाना में जब खनन होता था तो हमने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। पिताजी ने भी पार्लियामेंट में खनन का मुद्दा उठाया था। यमुना को लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा कि सरकार यमुना को शुद्ध करे, वहीं यमुना शुद्धिकरण को लेकर सरकार द्वारा चलाई जा रही नमामि गंगे आदि योजनाओं को फेल बताया। उन्होंने चेतावनी दी, अगर जल्दी ही यमुना को शुद्ध नहीं कराया गया तो वो आंदोलन करेंगे। आज गोवर्धन पूजा है और आप भी पूरी तरह से गोवर्धन नाथ की भक्ति में नजर आ रहे हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का आनंद भक्त हूँ और ब्रज में मैं 15-20 साल से आ रहा हूँ, और जो इतना भव्य ब्रजवासियों का जो गोवर्धन पूजा और भगवान श्री कृष्ण का जो दिन, जो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन गिरिराज को धारण किया था, सारे ब्रजवासियों को उसमें बचाया था, जो इंद्र का जो प्रकोप जो था तो उसे सारे ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा करने का काम किया, और स्वयं उन्हीं की जो जन्मभूमि कहिए, कर्मभूमि कहिए, लीला भूमि कहिए, मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं हर एक साल आता हूँ। और ब्रज के जो मिट्टी में जो प्रेम है वो किसी, बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जिनको ये नसीब होता है, तो हमें बहुत खुशी हो रही है और बेहद खुशी हो रही है कि इतना भव्य जो यात्रा रमेश बाबा का मान मंदिर के तमाम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम भी एक परिवार का हिस्सा हैं। हमारे पिताजी भी रमेश बाबा से जुड़े हुए हैं, आज से नहीं 15-20 साल से जुड़े हुए हैं, और जो जिस तरीके से ब्रज में जो राजस्थान और भरतपुर कामरडीह में जिस तरीके से खनन हुआ था उसमें हमने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, आंदोलन करने का काम किया था। हमारे पिताजी ने भी पार्लियामेंट में जब वो रेलवे मिनिस्टर थे तो उन्होंने आवाज़ उठाने का काम किया था ब्रज को बचाने के लिए। तो हम लोग पूरे तरीके से ब्रज में समर्पित हैं और हमेशा हर एक साल ब्रज में आते हैं, और गोवर्धन पूजा आज पूरे ब्रजवासी और पूरे वृंदावन में जो गोवर्धन पूजा का इतना भव्य जो आयोजन है मान मंदिर के द्वारा, आप तमाम लोगों को मैं ढेर सारी गोवर्धन पूजा का शुभकामना देना चाहता हूँ। यमुना किनारा कार्तिक का महीना और यात्रा के दौरान गोवर्धन पूजा का दीपदान होता है यमुना किनारे, और बहुत अद्भुत होता है, बहुत अद्भुत। बिहारवासियों के लिए क्या कामना करेंगे? बिहारवासियों के लिए भी यही कामना करेंगे कि आप भी, ब्लड हुआ पिछले दिनों बच्चों की मुजफ्फरनगर जो हुआ वो तो राजनीति बात हो गई, मैं तो धार्मिक में पूरा रमा हुआ हूँ और जो वहाँ भगवान से भी कामना करता हूँ कि वो लोग सुरक्षित हों और वो जल्द से जल्द रिकवर हों और बचे, ये हमारा कामना है। और जो ब्रज में जिस तरीके से खनन हो रहा है उसको लगातार हम प्रयास में हैं और हम सरकार से भी गुहार करने का काम करेंगे और सरकार को भी ये बोलना चाहेंगे कि इस तरीके का खनन नहीं हो, उस पर रोक लगाने की काम करें। यमुना की स्थिति आपने बहुत, यमुना की स्थिति हम देख रहे हैं कि लाखों करोड़ों रुपये यमुना पर खर्चा होता है लेकिन यमुना का कोई देख रेख नहीं होता। अभी जो यात्रा में जो कुछ महिलाएं और जो बुज़ुर्ग जो थे वो यात्रा में गए यमुना में नहाने के लिए, वो बीमार पड़ गए, वो अस्पताल में भर्ती हो गए, तो मैंने उनको देखने भी गया था मैं। तो इस तरीके के जो माहौल जो बने हैं तो इस पर सरकार को पूरी तरीके से
ध्यान देना चाहिए और लोगों पे ध्यान देना चाहिए कि कहाँ कहाँ से देश विदेश से लोग, बंगाल से भी लोग, भाई लोग, सब लोग आते हैं यहाँ पे, तमाम जगह से आते हैं, पूरे वर्ल्ड से आते हैं। नमामि गंगे की बात करते हैं, नदियों को सुरक्षित, अरे सब फेल है सरकार, नमामि गंगे ये भी कोई एक्शन और कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके का कोई देख रेख नहीं हो रहा। तो हम ये चुनौती देना चाहेंगे सरकार को कि इस पे ध्यान दे, अगर वो सरकार नहीं मानेगी तो ब्रज में हम आंदोलन करने का काम करेंगे। अगर आपको पाना है एक स्मार्ट एंड रॉयल लुक तो पहुँचे स्टाइल एंड कट सैलून में, मथुरा शहर का एकमात्र ऐसा यूनिसेक्स सैलून जहाँ एक ही छत के नीचे आप अपने परिवार सहित करा सकेंगे बॉडी केयर ट्रीटमेंट, जहाँ बेस्ट एक्सपर्ट्स द्वारा दी जाती हैं हेयर कटिंग, शेविंग, हेयर कलर, फेशियल। वही महिलाओं के लिए हेयर कट, रिबॉन्डिंग, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, वैक्स इत्यादि सैकड़ों सुविधाओं के साथ ही स्पा की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मिलता है आपको एयर कंडीशनर, वातावरण, सभी सुविधाओं के साथ, वो भी वाजिब दामों पर। तो फिर देर किस बात की, आज ही पहुँचे स्टाइल एंड कट्स यूनिसेक्स सैलून, गायत्री कॉम्प्लेक्स, गोविंद नगर, महाविद्या चौराहा, मथुरा।